युगों युगों से चल रहा है मेघ, ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल। ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष आज का राशिफल बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आपको जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मैं 10 वर्ष की आयु से ही अपने पूजनीय पिताश्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो कैसे रहेंगे आज आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से आज आपको सावधान रहना है, जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। आज 14 फरवरी 2020 दिन शुक्रवार, फागुन मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज षष्ठी तिथि शाम 6:21 तक रहेगी और उसके पश्चात सप्तमी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से लेकर 12:57 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल दोपहर 11:06 से लेकर दोपहर 12:34 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से आप सभी लोग परहेज करें। प्रिय भक्तगणों, यदि आप में से किसी ने भी हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल का आइकन दबा के हमारे चैनल की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं और हमारी इन वीडियोस को लाइक करें और अपने परिवार के सदस्यों के साथ और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। चलिए अब जानते हैं कि मेष यानी कि एरीज राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपके पितृपक्ष के किसी व्यक्ति की वजह से आपके अटके हुए काम बन जाएंगे और आपको धन की प्राप्ति होगी। आज आप अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु कार्य करने की कोशिश करेंगे पर आपके आसपास के लोग आपकी इंटेंशंस को भाप लेंगे और आपको एक मतलबी इंसान के तौर पर देख सकते हैं। आज आपको अपनी स्किन की केयर करनी है क्योंकि आज आप दांत, खाज, खुजली इत्यादि परेशानियों से चिड़चिड़े हो सकते हैं, इसलिए अपने पर्सनल हाइजीन का पूरा ध्यान रखें। आज आपको अपने पड़ोसियों के साथ संबंध बेहतर करने के लिए प्रयास करने चाहिए। देखिए भक्तगणों, पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे रखना भी बहुत जरूरी है क्योंकि मुसीबत के वक्त सबसे पहले वही आपकी सहायता के लिए आ सकते हैं। आज आपको अपने पड़ोसियों को डिनर का न्योता देना चाहिए। आज खर्चे बढ़ने से आपको मानसिक तनाव भी हो सकता है। प्रिय भक्तगणों, यदि आप अपने जीवन में किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करके गुरु रजनीश ऋषि जी से या गुरु मां रुक्मणी से या मुझसे वीडियो कंसल्टेशन या फोन कॉल कंसल्टेशन के माध्यम से अपनी समस्या के लिए उपायों को प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित तौर पर हमसे कंसल्ट करने के लिए आपको एक छोटी सी फीस देनी होगी जिसका उपयोग हमारे द्वारा समय समय पर यज्ञों महायज्ञों के आयोजन करने में, हर मंगलवार और हर शनिवार को प्रसाद वितरण करने में और लड़कियों को फ्री कंप्यूटर एजुकेशन प्रदान करने में उपयोग में आती है। व्यवसायिक व्यक्तियों को आज अपने व्यापार में छोटा मोटा नुकसान हो सकता है। आज सफेद गाय की सेवा करना आपके व्यापार में वृद्धि करेगा। आज मंदिर में रेता दान करने से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। मेष राशि वाले, अगर आपके पास अपना घर नहीं है, अपनी कार नहीं है और आप इन सबको पाने की इच्छा रखते हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित मोती की अंगूठी यानी कि पर्ल की अंगूठी धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो चमत्कारी उपाय
जिसे करने से यदि आपके कार्यों में बार बार बाधाएं आती हैं या आपके धन प्राप्ति में देरी हो रही है तो आपको आज इस उपाय को निश्चित तौर पर करना चाहिए। उपाय के अनुसार किसी से हनुमान मंदिर में जाएं और अपने साथ एक नारियल लेकर जाएं। मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा के सामने नारियल को अपने सिर पर 7 बार फेर लें। इसके बाद आप हनुमान चालीसा का जप करते रहें। सिर पर फेरने के बाद नारियल हनुमान जी के सामने फोड़ दें। इस उपाय को करने से यदि आज आप कोई इंपॉर्टेंट कार्य करने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको उस कार्य में सफलता प्राप्त होगी। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम सुब्रतो है। मैं कलकत्ते का रहने वाला हूँ और काम का सिलसिले में मैं रहता हूँ गुवाहाटी में। तो मैं तो पहले पूरा जीरो होके रखा था, मेरा ना ही कुछ काम बन रहा था। मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था। तो मैं यूट्यूब देखता था, तो एक दिन ऐसे सर्च करते करते गुरुआ को मैं देखा और हाथों हाथ में उनसे कॉन्टेक्ट किया। तो उन्होंने हमको बोला कि ऐसे ऐसे उपाय करना पड़ेगा, तो मैंने किया। ये देखिए आप लोग, मैंने अपना हाथों में गुरुमा ने जो अंगूठ दिया था वो मैं पहन के रखा हूँ। 22 डेज में ही मेरे को मैं अभी बहुत हैप्पी हूँ। मैं अभी अच्छे से लाइफ जी पा रहा हूँ, मेरा काम भी अच्छे से सही चल रहा है, अभी कोई टेंशन नहीं है। और मैं आप लोगों को भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग आराम से अच्छा कर सकते हैं। तब एक बार कम से कम गुरुमा या गुरु जी से आप संपर्क कर लीजिए, उसके बाद देखिए आपका रास्ता अपने आप खुल जाएगा और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। जय शनिदेव, थैंक यू गुरुमा, लव यू। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।